हेलो मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो वो भी एप फॉर फ्री एट लर्न हब डॉट कॉम तो चलो शुरू करते तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आपके आईसीसी क्लास एट का चैप्टर नंबर फाइव लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में समझेंगे ओके तो ये चैप्टर वैसे तो आपने क्लास सेवन में भी पढ़ लिया है पर कुछ चीजें हैं जो हम लोग क्लास सिक्स तो और क्लास सेवन में पढ़ते आए हुए हैं उन चीजों को फटाक से रिवाइज करके कुछ नई चीजें भी हम लोग इस वीडियो में पक्का देखेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपके आपको थोड़ा सा आपका दिमाग खुल जाए आपको आइडिया आ जाए कि कैसे चीजों को जो भी पढ़े है, हम लोग ने उसको यूज करना है तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक तो बच्चा देखो बच्चे चे थे आप क्लास सिक्स के तब से हम लोग एलिमेंट्स के सिंबल्स पढ़ रहे हैं राइट तो सिंबल क्या होता है हमें पता है सिंपली एब्रीविएशन होता है फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट अब कौन से सिंबल्स हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं उनको हम लोग फटाफट रिवाइज़ करेंगे ये सब मैं क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक चीज़ पढ़ने वाले हैं जो नहीं है, नहीं, है नहीं, नहीं, नहीं है आपके नहीं है आपके लिए नहीं नहीं नई है आपके लिए न्यू है आपके लिए जो कि है कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने की एक सिंपल सी मेथड तो उस मेथड के लिए हमें एलिमेंट्स के सिंबल्स की ज़रूरत है रेडिकल्स के सिंबल्स की ज़रूरत है ओके okay, रेडिकल्स के फार्मूलाज की ज़रूरत है ओके okay, तो हम लोग वही करेंगे फटाफट पहले एलिमेंट्स के सिंबल्स को रिवाइज़ कर लेते उसके बाद रेडिकल्स के सिंबल्स को भी रिवाइज कर लेते और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लिखते हैं किसी भी ओके okay, नॉर्मल से जो कंपाउंड होंगे सिंपल सिंपल से कंपाउंड उनके नाम कैसे लिखेंगे हम लोग एक पर्टिकुलर मेथड से तो फटाफट सिंबल्स सिंबल्स को रिवाइज करते हैं तो ऑफ द एलिमेंट्स यूज्ड वेरी ऑफन आर फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स ओके जो हम लोग पढ़ते आए क्लास सिक्स से तो उनके सिंबल्स मतलब ऐसे मुंह पर रटे हुए हो, होने चाहिए मैं आप फटाफट एक बार लिख के दिखा देता तो हूँ आपको ओके आपका रिविजन हो जाएगा हाइड्रोजन पहला एलिमेंट दूसरा हीलियम ओके फिर उसके बाद लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन जितने इंटरेस्टिंग वे में आप इसको याद रख सकते हो उतने इंटरेस्टिंग वे में याद रखो ओके उससे आपको फायदा होगा क्योंकि ये तो ऐसे रटने वाली चीज है तो जिसको हम लोग थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाए तो दिमाग में चिपका रहता है तो मैं ऐसे रिदम में याद रखता हूँ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन नियॉन उसके बाद क्या आता है ये दस हो गए देखो दस भी लिख दिया मैंने फिर उसके बाद सोडियम मैग्नीशियम एलुमिनियम सिलिकन फॉस्फरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम आपका होगा सर आप मंत्र पढ़ रहे हो वैसे कुछ बोल रहे हो राइट वो मैं अलग अलग तरीके में बोलते रहता हूँ ओके okay? अब मुझे तो इतने अच्छे से रट गए हैं क्योंकि अब आपके जैसे था तब से पढ़ते आ रहा हो अभी तक मतलब तब से रिवाइज 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 ही हो रहा है तो आप भी अलग अलग तरीके में याद रख सकते हो जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी ओके बात समझ में आ गई सिंबल्स सही तरीके से लिखना है गाना गाते गाते गलत सिंबल नहीं लिखने हाइड्रोजन एलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियॉन करेक्ट सिंबल लिखने ओके फटाफट भले लिखो कोई दिक्कत नहीं पर करेक्ट सिंबल लिखना है ओके फिर आ गई सोडियम मैग्नेशियम मैलोमियम सिलिकॉन फॉस्फरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम पहले बीस हो गए उसके अलावा कुछ ऐसे सिंबल्स ऐसे एलिमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट है उनके भी सिंबल्स आपको याद होने चाहिए जैसे कि क्रोमियम का सी आर होता है कार्बन का तो मोनोऑक्साइड हो जाएगा वो करेक्ट फिर निकल एन आए, जिंक का, ब्रोमीन का बी आर आयोडिन का, आए, का, पी टी। उसके साथ ही, का सी यू आयरन का एफ ई गोल्ड का एयू सिल्वर का ए जी मर्क्यूरी का एच जी अब देखो कुछ कुछ ऐसे सिंबल है या फिर कुछ कुछ एलिमेंट्स के नाम के ऐसे सिंबल्स हैं जो उनके लैटिन नेम से डिराइव्ड है वो भी हम लोग ने देखा था राइट तो यहाँ पर कॉपर का क्यूप्रम है राइट आयरन का फेरम है इसलिए एफ ई गोल्ड का ऑरम है इसलिए एयू सिल्वर का अर्जेंटम है इसलिए ए जी मर्क्यूरी का हाइड्रार्ग है इसलिए एच जी राइट तो लेड का प्लम्बम है इसलिए पीबी टिन का स्टैनम है इसलिए एस एन एंटीमनी का स्टीबियम है इसलिए एस बी और टंगस्टन का वॉल है इसलिए डब्ल्यू तो ये थे लैटिन वाले जो मैंने एक तरफ लिख दिए फटाफट ये थे हमारे नॉर्मल वाले क्रोमियमिकल प्लेटिनम सही सी आर एम एन सी टी बात क्लियर तो सिंबल्स के साथ साथ ही हम लोग पहले बीस एलिमेंट्स के सिर्फ पहले बीस एलिमेंट्स के वैलेंसीज को भी एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे ओके तो एक ट्रिक बताई थी मैंने हाइड्रोजन का वन से शुरू होता है फिर हिलियम जीरो हाइड्रोजन टू ओके वन से लेके जीरो उसके बाद हीलियम के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे जैसे कि लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन तक ओके क्या होगा पहले लिथियम बेरिलियम बोरॉन तक ओके वन टू थ्री और कार्बन तक भी फोर तक का सिलसिला चलेगा तो वन से लेके फोर तक चलेगा ओके हीलियम के बाद ओके तो आप लगा देना लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन फिर उसके बाद उल्टा चलेंगे हम लोग गिनती में थ्री टू वन जीरो ठीक है फोर के बाद फिर से थ्री टू वन जीरो करेक्ट तो हो गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन के बैलेंस याद ठीक है उसी तरह से फिर से फिर से एक बार जीरो आ गया जैसे फोर थ्री टू वन जीरो फोर के बाद थ्री टू वन जीरो वन टू थ्री फोर लिख दिया फोर एंड हो गया हमारा स्टॉप उसके बाद उल्टा चलेंगे थ्री टू वन जीरो ठीक है तो सोडियम मैग्नीशियम एलोरोम सिलिकॉन का वन टू थ्री फोर फॉस्फरस सल्फर क्लोरिन आर्गन का थ्री टू वन जीरो क्लियर यहाँ पर भी लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन वन टू थ्री फोर नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियॉन थ्री टू वन जीरो ठीक है ट्रिक बता दी मैंने आपको फिर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजनियम तो पहले बता दिया खत्म उसके बाद फिर से जीरो आ गया फिर से वन टू वन टू कैल्शियम पोटेशियम और कैल्शियम ठीक है ये तो हम लोग ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था ये ट्रिक भी मैंने बताई थी आपको फिर भी एक बार फटाक से हम लोग ने रिवाइज कर लिया क्लियर ओके okay? तो आगे जम करेंगे हम लोग रेडिकल्स के वैलेंसिस को देखने के लिए अब रेडिकल्स क्या होते हैं कैसे होते हैं सब कुछ पढ़ लिया हम लोग ने एक आसान भाषा में बता दो आपको रेडिकल सिंपली एक तो ओके okay, चार्ज जिनके पास है ऐसे वाले एटम्स होंगे एलिमेंट्स के ओके okay, या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे ओके okay, जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ओके okay, और जिनके ऊपर एक ही मतलब जिन्होंने सारे एटम्स के ऊपर ना एक चार्ज होगा ओके okay, तो ग्रुप ऑफ आइटम्स के ऊपर एक एक चार्ज होगा या, मतलब ग्रुप ऑफ सिंपली आसान शब्दों में आयंस राइट right? दो टाइप के रेडिकल्स हम लोग अब मैंने बताया था आपको ओके okay, एसिडिक का ए और अनायन का ए को मैच करना है तो अनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज होता है याद रखना है ओके okay,

तो बचा क्या दूसरा वाला कटायन ओके हाँ अब हमको भी पता है कटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है ओके तो बेसिक पॉजिटिवली चार्ज हो गए ओके तो अब हम लोग देखेंगे ऐसे रेडिकल जो बेसिक हैं उनकी वैलेंसीज तो मैंने क्या किया है मालूम है थोड़ा आसान तरीके से याद करने के लिए मैंने अलग अलग वैलेंसी वाले रेडिकल्स को अलग अलग नहीं रखा है ओके ऐसे वैलेंसी वाले रेडिकल्स को मैंने मतलब एक साथ लिखा है जिनकी मतलब ऐसे रेडिकल्स को मैंने एक साथ लिखा है जिनकी वैलेंसीज भले अलग अलग होंगी पर याद रखने के लिए आसान हो जाएगा ठीक है तो पहले तो मैंने मोनोवैलेंट रेडिकल्स लिखे हैं जो बेसिक है मतलब पॉजिटिवली चार्ज ठीक है तो सब जगह पे पॉजिटिव चार्ज होगा अब मोनोवाइलेंट मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ठीक है क्योंकि हम लोग ने तो पता पता पढ़ा है कि रेडिकल्स में उनका जो चार्ज होता है ना रेडिकल्स का चार्ज वो उनके वैलेंसी से इक्वल होता है मतलब इन शॉर्ट रेडिकल्स के ऊपर का आपको जो भी चार्ज दिखेगा उसमें से प्लस माइनस हटा दो जो नंबर दिखेगा वही उस रेडिकल की वैलेंसी होगी ठीक है तो मोनो वैलेंट मतलब वैलेंसी एक समझ में आ गई बात सपोज मैं रेडिकल की बात कर रहा हूं तो रेडिकल के ऊपर जो भी चार्ज होगा ओके तो वो प्लस हो या फिर माइनस चार्ज हो ओके तो प्लस माइनस को हटा दो मार दो गोली ठीक क्या जो नंबर रहेगा वो होगा उस रेडिकल की वैलेंसी ठीक है तो अब मोनोवैलेंट है मतलब ये नंबर वन होगा राइट करेक्ट ठीक है चलो तो मैं यहां पर वन लिख देता हूं ये नंबर होगा वन और और एक बात ये बेसिक रेडिकल्स है तो बेसिक है मतलब यहां पर चार्ज सिर्फ पॉजिटिव होगा तो मैं नेगेटिव को मार देता हूं गोली नेगेटिव चार्ज को मैंने हटा दिया देखो तो यहां पर जो भी रेडिकल्स होंगे सिंपली अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है वो किस फॉर्मेट में होंगे रेडिकल का फॉर्मूला जो भी है एक्स हम लोग मान रहे उसके ऊपर वन प्लस चार्ज होगा तो वन प्लस मतलब सिर्फ प्लस लिख दिया तो भी चल जाएगा ठीक है ये हो गया ओके okay, तो डायलेंट क्या होगा टू प्लस क्या होगा थ्री प्लस तो देखो एक्स टू प्लस क्या होगा एक्स थ्री प्लस ठीक है मोनोवाइलेंट एक्स वन प्लस दो तो एक्स टू प्लस ट्राई मतलब तीन तो एक्स थ्री प्लस समझ में आ गई बात सिंपल से फॉर्म में तो सारे के सारे फॉर्म इसी का रहेगा बस अब फॉर्मूलाज अलग अलग होंगे क्योंकि तो रेडिकल्स अलग अलग है तो अमोनियम का होता है एनएच फोर ऐसा फॉर्मूला ठीक है अब प्लस होगा बस उसके ऊपर वन प्लस को हम लोग सिर्फ प्लस भी लिख सकते हैं ठीक है फिर लिथियम एल आई प्लस सोडियम एनए प्लस क्या करना है बस उसका सिंबल लिखना है अगर एलिमेंट्स के नाम है तो सिंबल लिखना है अमोनियम एक ग्रुप ऑफ एटम्स था तो इसलिए एनएच फोर उसको याद रखना अमोनियम मतलब एनएच फोर प्लस ठीक है लिथियम का मोनोवायलेंट रेडिकल मतलब एल आई प्लस सोडियम एनए प्लस ओके मतलब लिथियम का रेडिकल मोनोवाइलेंट ही होता है लिथियम के आयन के ऊपर प्लस वन ही चार्ज होता है ठीक तो है तो लिथियम का एल आई प्लस सोडियम का एन ए प्लस पोटासियम सिंबल लिख दो ऊपर प्लस क्योंकि मोनोवाइलेंट के एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का एच प्लस ठीक है तो आपको याद रखना कि मोनोवाइलेंट में ये सारे रेडिकल्स होते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन ओके प्लस 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 ओके तो प्लस तो आपको समझ में आ जाएगा मोनोवायलेंट है मतलब एक ही पॉजिटिव चार्ज क्लियर बेसिक है इसीलिए पॉजिटिव चार्ज क्लियर सिंपल सी बात थी ओके okay. इनको कर लिया हम लोग ने थोड़ा सा रिवाइज ओके okay. फिर अब ये यही वाली चीजें जो थी हम लोगों ने क्लास वन में पढ़ी थी एटम्स मॉलिक्यूल्स रेडिकल्स को जो हम लोग, लोग पढ़ रहे थे ना तब ओके okay. तो इसको भी थोड़ा बहुत हम लोग रिवाइज करें फटाफट तो डायवेलट में एक्स टू प्लस ये होगा फॉर्मूला ओके okay. इस फॉर्म में होंगे तो कैल्शियम का सी ए टू प्लस सी ए टू प्लस मैग्नीशियम का एम जी टू प्लस फिर मैंगनीज का एम एन टू प्लस और जिंक का जेड एंड टू प्लस खत्म ओके तो आप क्या करना है मालूम है याद रखना है मतलब कैसा याद रखना है मालूम है इस चार्ट को ना आप आपके पास आप पेपर पेन लो एक चार्ट बना दो चार्ट में ये मोनोवाइलेंट फॉर्मूला ये सब ऐसे टेबल बना दो जैसे मैंने बनाया जो भी चीज़ें मैंने लिखी है वो लिख दो एक बार ताकि आपको रिविजन करने में टाइम नहीं लगेगा और वो टेबल ना आप जहाँ पर भी ज़्यादा देर बैठते हो ओके या फिर आप आपके बेडरूम में स्टडी टेबल के ऊपर लगा सकते हो थके हुए रहेंगे सपोज पढ़ पढ़ के अब ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा या फिर पढ़ने से पहले पढ़ने के बाद एक बार आदत लगा लो रिवाइज़ करने की या फिर एक डायरी बना लो उस डायरी में छोटे छोटे से टेबल बना लो तो जहाँ पर भी आपको टाइम मिले आप बस में हो स्कूल जा रहे हो या फिर आप कहीं को, कोई शॉप को विजिट कर रहे हो या फिर आप कार में बैठे हो ट्रैफिक में फंसे हो कुछ भी हो टाइम मिला बुक खोलो रिवाइज करो ख़त्म इससे क्या होगा आप रिविजन आपका करने के लिए एक अलग सा टाइम नहीं लगेगा और आपकी नज़र घूमते रहेगी हमेशा इनके ऊपर तो ऑटोमेटिक दिमाग में चिपक जाएगा जैसे मेरा चिपक गया था तो मैंने भी यही आइडिया किया था ओके मैंने चार्ट भी बनाया था ओके और मैंने ऐसे कुछ डायरी में लिख के भी रखा था इन रेडिकल्स को ताकि मुझे याद हो जाइए ठीक है क्लियर पर उसके साथ मैंने लॉजिक भी बना रखा था कि भाई अगर मुझे किसी ने कहा मोनोवाइलेंट क्या है तो मुझे पता होना चाहिए मोनोवाइलेंट रेडिकल मतलब ऐसा रेडिकल जिसके ऊपर वन प्लस चार्ज है ओके और मोनोवाइलेंट में अगर मुझे बेसिक बोला है तो वन प्लस अगर मोनोवाइलेंट में मुझे एसिडिक बोला है तो वन माइनस ठीक है तो ये चीजें आ जाएंगी आहिस्ते आते आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फ्लुएंट हो जाओगे इस चीज़ में ठीक है फिलहाल तो आपको चीजें समझ में आ गई ओके ये सारी मैंने समझा दी आपको बेसिक इसलिए पॉजिटिव मोनोवायलेंट इसलिए वन ओके ये सारी चीजें मैंने समझा दी थी आपको अभी क्लियर तो एल्यूमिनियम ट्राईवाइलेंट है भाई ठीक है तो ए एल थ्री प्लस क्रोमियम सी आर थ्री प्लस ठीक है एक्स थ्री प्लस के फॉर्मेट में बात समझ में आ गई ओके तो फिलहाल इतनी ही चीज़ें मैंने समझाई अब आगे की इसमें और भी देखेंगे हम लोग तो ये वाली चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी अब सिर्फ एसिडिक रेडिकल की बात करेंगे हम लोग ओके उस टाइम पर मैं समझाऊंगा अब इसके बाद जो एग्जाम्पल्स है वो बेसिक रेडिकल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं तो इसका मतलब क्या पॉजिटिवली रिचार्ज रेडिकल्स के एग्जाम्पल ओके पर वो फिर हो सकते हैं मोनोवाइलेंट मतलब एक्स वन प्लस फॉर्म में डा वायलेंट एक्स

वन लिख वन लिखा है यहां पर ओके ये बताने के लिए कि भाई ये मोनोवाइलेंट है इसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज है ठीक है इसी तरह से क्यूपरस कॉपर वन तो कॉपर वन प्लस मर्क्यूरस एच जी वन प्लस ओके तो वन नहीं लिख रहा हूं मैं आप देखो इसमें एक थोड़ा सा क्रिस्ट है छोटी सी एक चीज है देखो ये जो नाम है ना इनके ये सिल्वर वन कॉपर वन मर्क्यूरी वन ये तो इनके इंग्लिश नाम है ठीक है तो पर देखो अर्जेंटस लिखा हुआ है तो इसका लैटिन नाम है इसमें ना लगा हुआ है OUS की मतलब एक ट्रिक देखना, नाम है ठीक तो इस पर मर्क्यूरी का तो लैटिन नेम क्या है क्या है क्या है, क्या बताओ है? बताओ बताओ बता, मुझे बताओ आई होप आपने बताया होगा राइट पॉज करके या फिर आपने बताया ही होगा पक्का या फिर पॉज कर लो ढूंढ लो एक बार ओके तो मैं बता रहा हूँ आपको होता है हाइड्रार गायरम पर यहाँ पर हाइड्रार हो रहा है क्या ओके यहाँ पर क्यूपरम का ओय लगा दिया में से ओ निकाल दिया ओय लगा दिया हाइड्रार गायरम के यूएम को निकाल के ओयूएस लगाया नहीं यहाँ पर तो उसका इंग्लिश नाम ही लिखा है उसके उसके सामने ओ यूएस लगाया तो एक थोड़ी सी एक स्लाइटली ट्विस्ट वाली चीज है याद रखना है स्पेशल वाला चीज है थोड़ा ओके मर्क्यूरी का हम लोग जब रेडिकल का नाम लिखते हैं तो उसका लैटिन नेम लेके नहीं लगाते उसका इंग्लिश नेम लेके ही ओयूएस लगाते ठीक है पर ये जब, ये जो आपको OUS, ये ये जब जो आपको क्यों लगा हुआ है आपको कि मैंने क्या लिखा है देखो अर्जेंटिक मतलब सिल्वर टू तो सिल्वर में लिख दूंगा पहले टू प्लस हो जाएगा सिंपली डायवेलेंट है तो एक्स टू प्लस करेक्ट क्यूप्रिक कॉपर टू तो कॉपर टू प्लस करेक्ट मर्क्यूरिक तो मर्क्यूरी टू तो यहां पर भी फिर से मैं क्या करूंगा एच जी टू प्लस भले नाम में लैटिन नेम नहीं लिखा है पर सिंबल तो भाई लैटिन ही होगा करेक्ट करेक्ट अब आपको समझ में आया होगा कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ ओके ओके सर जो सिल्वर के प्लस वाले आयन है या फिर कॉपर का प्लस वाला आयन है या फिर प्लस वाला रेडिकल कहो या फिर का प्लस वाला रेडिकल है उनके लैटिन नेम के सामने एक्सेप्ट मर्क्यूरी ओयूएस लगाते हैं ओके वन प्लस वाले रेडिकल के सामने और वही अगर सिल्वर का टू प्लस वाला रेडिकल है कॉपर का टू प्लस वाला रेडिकल है मर्क्यूरी का टू प्लस वाला रेडिकल है तो हम लोग इक लगा रहे हैं आईसी लगा रहे ओयूएस नहीं लगा रहे आईसी लगा रहे ओके तो समझ में आ गई बात तो याद रखना है अभी हमको सिल्वर कॉपर और मर्क्यूरी इनके केस में इनका जो वन प्लस वाला रेडिकल है ओके वो लोअर चार्ज वाला रेडिकल है लोअर पॉजिटिवली चार्ज ओके किसके कंपैरिजन में उनके दूसरे वाले रेडिकल्स के कंपैरिजन में जो टू प्लस वाला चार्ज है उनके पास तो हायर पॉजिटिव चार्ज है तो जब लोअर पॉजिटिव चार्ज के रेडिकल की बात चल रही है तब ओयूएस लगाएंगे हम लोग लैटिन नेम के बाद समझ लेना ये चीज सारी चीजों को एप्लीकेबल होंगे आगे के रेडिकल्स को भी होंगे और जो भी हायर चार्ज वाले रेडिकल है उसी एलिमेंट के देखो सिल्वर का सिल्वर है लोअर चार्ज वाला रेडिकल इसका वन है हायर तो चार्ज वाला, वाला रेडिकल इसका टू है तो वन के लिए यूज किया टू के लिए आईसी यूज किया ठीक है का वाला वाला है तो OUS हायर वाला two है तो इसके लिए का रेडिकल ओयूएस वन वाला वन प्लस वाला हायर चार्ज वाला रेडिकल टू प्लस वाला इक ठीक है तो ये तीनों के याद रखना सिल्वर कॉपर मर्क्यूरी के लोअर चार्ज वाले होते हैं वन प्लस वाले हायर चार्ज वाले होते हैं टू प्लस वाले लोअर वाले के सामने ओ यूएस लगाएंगे हायर वाले के सामने आई सी लगाएंगे ओके किसके सामने आईसी लगाएंगे उनके लैटिन नेम्स के सामने एक्सेप्ट मर्क्यूरी उसके इंग्लिश नेम के सामने ही लगाएंगे बात समझ में आ गई तो मैंने जान बूझ के अलग अलग वैलेंसी वाले रेडिकल्स को एक साथ लेके चल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए आपको रिलेट करना सीख जाएंगे आप तो आप भी जब चार्ट बनाओगे तब तो इसी तरह से बनाना आसानी होगी आपको याद रखने में ओके okay, और समझने में भी कि भाई नाम ऐसे ही दिए क्यों है क्लियर चलो तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अब ये देखो ऑरस ओके ओ यू एस तो इसका नाम ही सुनकर आपको समझ में आएगा ऑरम गोल्ड ओ यू एस मतलब गोल्ड का लोअर पॉजिटिव चार्ज वाला रेडिकल पॉजिटिव बोलो क्यों मिला मैंने कि बेसिक रेडिकल की बात चल रही है इसीलिए ठीक है तो ऑरस गोल्ड का लोअर पॉजिटिव चार्ज वाला रेडिकल होता है वन प्लस वाला ठीक है ठीक है तो मैंने ऑरस का ए यू लिख दिया प्लस वन मतलब सॉरी वन प्लस तो वन में नहीं लिख रहा हूं पर आपको लगा होगा सर सारे लोअर चार्ज वाले रेडिकल वन प्लस में होते है? गलत समझाओगे सारे एलिमेंट्स के लोअर चार्ज वाले रेडिकल वन प्लस में नहीं होते आयरन आयरन देखो iron का OUS लिखा है फेरम को यूएम निकाल दिया फेरम का राइट right? फेरम का ऐसा यूएम निकाल दिया यूएम के जगह पे ओयूएस लगा दिया ओके ओ यूएस मतलब लोअर चार वाला रेडिकल है सर इसका करेक्ट तो लोअर चला है और ये है डायवैलेंट मतलब आयरन का लोअर चार्ज वाला रेडिकल है टू प्लस तो इसका मतलब आयरन का हायर चार्ज वाला देखो सामने आयरन का हायर चार्ज वाला रेडिकल है थ्री प्लस ओके प्लस और हायर चार्ज वाला है इसीलिए इसके लैटिन नाम के सामने इक फेरिक समझ में आ गई बात तो जहां पर भी आप अब Fe2+ देखो देखोगे तो आप कहोगे ये फेरस का रेडिकल है या फिर फेरस आयन है जहां पर भी आप Fe3+ देखोगे आप कहोगे ये फेरिक आयन है ओके Fe2+ को फेरस क्यों क्योंकि Fe का 2+ वाला लोअर सा वाला रेडिकल है तो OUS Fe का 3+ वाला हायर वाला रेडिकल है हायर साइज वाला रेडिकल है इसीलिए फेरिक ठीक है गोल्ड का ऑरस दिखा आपको ओके तो इसका मतलब गोल्ड का लोअर चार्ज रेडिकल होता है वन प्लस वाला तो एयू प्लस दिखा आपको तो गोल्ड का हायर चार्ज वाला रेडिकल वो होता है थ्री प्लस वाला ओके देखो प्लस ठीक है तो जहां पर भी आपको अब ऑरस दिखेगा आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये गोल्ड के वन प्लस वाले रेडिकल की बात चल रही है या फिर वन प्लस वाले आयन की बात चल रही है जहां पर आपको ऑरिक दिखेगा आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए ये गोल्ड के थ्री प्लस वाले आयन की या फिर थ्री प्लस वाले रेडिकल की, की बात चल रही है ठीक है वैसे ही फेरस दिखेगा तो एफ दिमाग में क्लिक होना चाहिए ये आयरन के टू प्लस वाले रेडिकल की बात चल रही है ओके फेरिक मतलब आयरन के थ्री प्लस वाले रेडिकल की बात चल रही है OUS फेरस छोटा वाला चार्ज टू प्लस आयरन का होता है फेरिक आईसी बड़ा वाला चार्ज आयरन का बड़ा वाला चार्ज होता है थ्री प्लस ठीक है थोड़ा सा देर लगेगी इतना फ्लूएंट जब जिस जिस फ्लो में मैं बोल रहा हूँ उतना आपको आने में थोड़ा देर लगेगा थोड़ा रिवाइज करोगे तो हो जाएगा ठीक है ओके चलो तो ये हो गए हमारे बेसिक रेडिकल का ये वाला एक एग्जाम्पल्स अब कुछ और लास्ट वाले एग्जाम्पल्स इसके बाद बेसिक रेडिकल्स के एग्जाम्पल्स खत्म तो जैसे कि प्लम्बस ओके ओय लग गया तो इसका मतलब लेड का छोटा चार्ज वाला रेडिकल है भाई डायवैलेंट मतलब टू प्लस ओके बेसिक है इसलिए प्लस तो लेड टू प्लस ठीक है ठीक है प्लेटिनस ये भी डायविंट में आता है OUS मतलब प्लैटिनम का छोटा चार वाला रेडिकल है कितना टू प्लस स्टैनस सेम तो ये होता है टिन करेक्ट अब देखो इसीलिए मैंने पहले एलिमेंट्स के नाम बताए आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स याद करवाए या फिर थोड़ा बहुत रिवाइज करवाया ताकि आपको बाद में रेडिकल्स में तकलीफ ना हो क्योंकि आपको अगर स्टैनस बोल दे आप सोचते चले जाओगे स्टैनस भाई कौन से एलिमेंट का है भाई

खत्म वैसे ही इन्हीं के हायर चार्ज वाले फोर प्लस वाले ओहो। अब तक की बात चल रही थी तो प्लस तो प्लस देखो हायर चार्ज वाला है तो नेम के सामने एक लगेगा तो प्लम्बिक स्टैनिक्लाटिनिक राइट तो प्लम्बिक प्लेटिनिक हायर चार्ज वाले लेड प्लेटिनम और के रेडिकल्स है फोर प्लस वाले ओके तो प्लम्बिकोर प्लस ओके यहाँ पर है प्लाटीनिक पीटी फोर प्लस एस एन फोर प्लस क्लियर बात समझ में आ गई आपको ओके तो इतनी ही छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है कौन से एलिमेंट का लोअर सजोला रेडिकल कौन सा है और हायर सजोला रेडिकल कौन सा है लोअर चार्ज वाला है तो उसके लैटिन नाम के सामने ओय हायर चार्ज वाला है उसी एलिमेंट का तो उसके लैटिन नाम के सामने आईसी खत्म इस तरह के से हम लोग नाम लिखते हैं या फिर और एक सिंपल नोटेशन ओके ये वाले भी यूज कर, किया जाता है इतना ज्यादा यूज नहीं करते पर फिर भी करते हैं ओके आयरन के केस में कई ज्यादा बार फेरस फेरिक बहुत बार यूज होता है ओके तो इसके लिए ये सीखना जरूरी है इसके अलावा एक सिंपल सी चीज़ जहां पर मैंने बताई जो भी जो भी रेडिकल्स होंगे आपको दिख रहे होंगे देखो यहाँ पर तो इनके कोई लोअर हायर चार्ज वाले है नहीं ओके okay, तो इनका सिर्फ सिंपल नाम है दैट्स इट इंग्लिश में पर जिनके हायर लोअर वाले हैं ना देखो हायर ये लोअर वाला, वाला है हायर वाला है सिल्वर का तो उनके सिंपल नाम भी लिखे इंग्लिश में सिल्वर वन कॉपर वन मर्क्यूरी वन ठीक है देखो देखो सिल्वर वन प्लस कॉपर वन प्लस मर्क्यूरी वन प्लस बस प्लस नहीं लिख रहा हम लोग ओके सिंपल नाम ओके okay, तो ओ यू एस इक के अलावा भी सिंपल नाम ये है सिल्वर टू कॉपर टू मर्क्यूरी टू वैसे ही गोल्ड थ्री आयरन थ्री ओके और, और फेरिक क्यों बोलते हैं को गोल्ड वन या फिर फेरस मतलब टू। ओके। तो कई पे आपको ये ताकि आसानी हो ओके तो बच्चों देखते हैं अब हम लोग एसिड रेडिकल्स के फटाफट फॉर्मूलाज और उनकी वैलेंसी को मतलब एक दफा एक दव, एक एक रिवाइज कर लेते हैं तो एसिड रेडिकल मतलब बताया था पहले ही नेगेटिवली चार्ज होंगे करेक्ट अब ये नेगेटिवली चार्ज में मोनोवाइलेंट मोनोवैलेंट मतलब एक है उनकी वैलेंसी तो उसी फॉर्मेट में जैसे कि हम लोग लिख रह, रहे थे एक्स ओके नेगेटिवली चार्ज है तो ठीक है है भाई मतलब एक वैलेंसी इसीलिए प्लस ओके सॉरी वन माइनस ओके तो एक्स वन माइनस तो वन नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा एक्स माइनस तो डायवैलेंट मतलब क्या होगा ओके एसिड रेडिकल में डायवैलेंट एक्स टू माइनस ट्रावेंट एक्स थ्री माइनस ओके टेट्रावलेंट एक्स फोर माइनस ऐसे ही चलता जाएगा तो बेसिक बेसिक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा अब मोनोवैलेंट एसिडिकल मतलब एक्स माइनस फॉर्मेट खत्म तो एसिडेट अब ये अलग अलग होंगे तो एसिडेट मतलब सी एच थ्री सी ओ ओ करेक्ट ये और उसके ऊपर माइनस ठीक है वन माइनस को मैं सिर्फ सिंपली माइनस लिख रहा हूँ सिर्फ ठीक है ब्रोमाइड मतलब बी आर माइनस क्लोराइड मतलब सी एल माइनस फ्लोराइड मतलब एफ माइनस आयोडाइड मतलब आई माइनस परमैंगनेट मतलब एम एन ओ फोर माइनस ठीक है ये याद रखना है आपको ये चीजें थोड़ी सी रिवाइज करते करते याद हो जाएंगे आपको हाइड्राइड मतलब एच माइनस ओके एच माइनस ऊपर थोड़ा लिखना okay, है ओके एच के ऊपर माइनस और हाइड्रोक्साइड मतलब ओ एच माइनस ठीक है उसी तरह से साइनाइड मतलब सी एन माइनस नाइट्राइट मतलब एन ओ थ्री माइनस नाइट्राइट मतलब एन ओ टू माइनस और मेटा एल्यूमिनियट मतलब ए एल ओ टू माइनस ओके ठीक है ये भी ऐसी याद हाँ रखना है अब ये जो एसिड डाइडे करें इसमें इतना ज़्यादा झोल नहीं है ओके कि भाई लोअर चार्ज हायर चार्ज वगैरह वगैरह फलाना बिस्ताना ऐसा कुछ नहीं सिंपली चार्ज चार्ज है भाई लोअर हायर वाले कुछ नहीं एलिमेंट्स यहाँ पर मतलब एलिमेंट्स में कोई किसका लोअर चार्ज किसका हायर चार्ज वाला वर्जन ऐसा कुछ नहीं सिंपल है यहाँ पर ओके साइनाट सी एन माइनस नाइट्रेट एनओ थ्री माइनस नाइट्रेट अब देखो नाइट्रेट ए टी ई था उसमें अगर मैं आई टी ई कर दूँ तो ऑक्सीजन कम करना है ओ टू हो जाएगा O3 के बजाय O2 हो जाएगा मतलब तीन ऑक्सीजन के बजाय दो ऑक्सीजन हो जाएंगे ओके तो इतना ये समीकरण याद रखना मतलब एक थोड़ा सा लॉजिक नाइट्रेट NO3 माइनस तो नाइट्राइट मतलब एक ऑक्सीजन कम करो बाकी सब कुछ सेम तो नाइट्राइट मतलब NO2 माइनस खत्म मेटा एलुमिनेट AlO2 माइनस सिंपली इसी तरह से ओके अब आगे मोनोवाइलेंट में ही अब ये थोड़े से जो है ना थोड़े से रिलेटेबल वाले चीजें हैं वो मैं बताऊंगा आपको जो रिलेट कर सकते हैं हम लोग तो ये जो तीन है में और ये जो तीन है डायट में ये थोड़े से रिलेट करके हम लोग समझ सकते हैं ओके तो देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइट इन्हीं को कह सकते हैं हम लोग हाइड्रोजन की जगह पे अगर सिर्फ बाय लगा दो तो बाय रख दो ओके कार्बोनेट बाय सल्फेट ठीक है हाइड्रोजन को हटाओ मार दो गोली बाय लेके आओ तो बाय सल्फेट बाय कार्बोनेट दिख रहा है आपको ठीक है और बाय सल्फाइट ये भी हम लोग कह सकते हैं तो इनके फॉर्मूला कैसे हैं देखो इस तरह से समझ लो कार्बोनेट का होता है सीओ थ्री टू माइनस ठीक है कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है सीओ थ्री टू माइनस अब हम लोग कहा चले गए देखो में में आ गए माइनस सीओ थ्री टू माइनस ठीक है सल्फेट का होता है एसओ फोर टू माइनस सल्फाइट का होता है एसओ थ्री टू माइनस यहां पर भी वही लॉजिक एट का फॉर्मूला याद रख लो सल्फेट एसओ फोर टू माइनस उसके एट की जगह पे आइट आ गया तो एक ऑक्सीजन कम तो देखो बाकी का सब, तो तो सब कुछ सेम तो एसओ फोर में से एक ऑक्सीजन कम करो तो एसओ थ्री हो जाएगा एसओ थ्री टू खत्म सब कुछ सेम बाकी का ओके एक ऑक्सीजन कम किया सिर्फ बाकी एस ओ थ्री टू करेक्ट क्लियर अब यहां पर जब आओगे हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट का सिर्फ फॉर्मूला लिखो उसके पहले हाइड्रोजन लगा दो और याद रखना ये मोनोवैलेंट है तो इसीलिए एक्स तो ये हमारा एक्स हो गया माइनस क्लियर हाइड्रोजन सल्फेट मतलब सल्फेट लिखो फोर चार्ज नहीं एसओना याद रखना उसके पहले हाइड्रोजन लिखो क्योंकि हाइड्रोजन सल्फेट है इसीलिए तो हाइड्रोजन सल्फेट हो गया और चार्ज माइनस 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 सिर्फ इन शॉर्ट कि है ओके माइनस सल्फाइट सेम एसओ थ्री लिखो चार्ज नहीं लिखना है हाइड्रोजन सल्फाइट है इसीलिए हाइड्रोजन लगा दो उसके पहले तो हाइड्रोजन सल्फाइट हो गया ये ओके एक्स माइनस सिंपल ओके okay, तो क्या करना है इनसे इनका सिर्फ फॉर्मूला लेना है ओके okay? बिना चार्ज का फॉर्मूला लेना है सल्फेट सल्फाइट या फिर कार्बोनेट का उसके पहले हाइड्रोजन लगाना है और बाद में चार्ज मोनोवायलेंट वाला दे देना है खत्म बन गया हमारे हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन सल्फाइट ठीक है यही था बस इतना थोड़ा सा लॉजिक वाला चीज थोड़ा सा याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक बाकी का सब कुछ अलग अलग है अपना अपना सल्फाइड देखो एस टू माइनस होता है ओके एस टू माइनस है ये एस टू माइनस जिंकेट ओके तो ये थोड़ा सा टेढ़ा है o, N, ZNO2, 2 है ये, ओके ठीक है फिर प्लंबाइट का भी पीबीओ टू टू माइनस ठीक है फिर डाइक्रोमेट ये है सी आर टू ओ सेवन टू माइनस ओके ये सी आर है सी आर नीचे टू फिर ओ सेवन नीचे सेवन टू माइनस ठीक है और फिर ऑक्साइड ये सिंपली ओ टू माइनस है पर ऑक्साइड ये थोड़ा सा टेढ़ा है ये है ओ टू टू माइनस ठीक है ओके तो ये बन गई हमारी सारे फॉर्मूलाज ओके इससे ही हमारे मतलब अभी तक जितने भी हम लोगों ने एसिडिक रेडिकल्स देखे उनसे ही मोस्टली बन जाते हैं जो तीसरे वाले कैटेगरी है यहाँ वाला ये वाला ओके okay, ट्राइवेलेंट में एक अक्सर हम लोग बहुत कम यूज करते हैं इसमें से सिर्फ एक यूज करते हैं फॉस्फेट तो ये फॉस्फेट है ट्राइवलेंट मतलब एक्स थ्री माइनस कैटेगरी करेक्ट तो एक्स थ्री माइनस में पीओ फोर है हमारा एक्स ओके थ्री माइनस ऊपर लग जाएगा ठीक तो है तो फॉस्फेट है पीओ फोर थ्री माइनस अब देखो आप मुझे बताओगे फॉस्फाइट क्या होगा चलो बता बताओ देखो क्योंकि देखो बाकी का सब कुछ सेम फॉस्फ एट के बदले में आइट आ गया एट के बदले में आइट आ गया तो क्या करते हैं हम लोग क्या करते बताओ यस yes, करेक्ट बहुत से लोगों ने बताया होगा बहुत से बच्चों ने बताया आई होप मुझे पक्का पता है ओके okay? हम लोग एक ऑक्सीजन सिर्फ कम करते हैं सर बाकी का सब कुछ सेम लिखते हैं तो देखो मैंने सेम लिख दिया पी ओ ओके थ्री माइनस भी लिख दिया बाकी का सब कुछ सेम पी ओ थ्री माइनस ऊपर का चार्ज भी लिख दिया फोर के जगह पे तीन कर दिया मैंने तो हो गया फर्स्ट फाइट पी ओ थ्री थ्री माइनस ठीक है उसके बाद नाइट्राइड तो देखो इसमें सिर्फ एन लिखना है ऊपर तो थ्री माइनस तो पक्का होगा चार्ज तो बन गए हमारे सारे एसिड रेडिकल्स के भी फॉर्मूलाज Valancy मैंने बता दिया था पहले ही ओके okay, कोई भी रेडिकल का फॉर्मूला सिर्फ याद रख लो उसका वैलेंसी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर जो चार्ज है उसमें से प्लस माइनस को मार दो गोली जो नंबर है वही उसकी वैलेंसी है करेक्ट कोई भी रेडिकल लिया मैंने ओके okay, उसके ऊपर सपोज एक्स एन प्लस या फिर एक्स एन माइनस चार्ज है एन कोई भी नंबर होता है वन टू थ्री ओके तो क्या करना है चार्ज को मार दो गोली करेक्ट जो नंबर है वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी क्योंकि okay, उस रेडिकल की वैलेंसी वो नंबर हो जाएगी उस रेडिकल की वैलेंसी वो नंबर हो जाएगी क्लियर बात खत्म बहुत सिंपल सी बात थी तो बच्चों अब टाइम आया है हम लोग ने अभी तक जो भी एलिमेंट्स के सिंबल्स देखे वैलेंसीज देखी रेडिकल्स के वैलेंसीज और उनके फार्मूलाज देख लिए उनको इस्तेमाल करने का क्योंकि अब हम लोग लिखने वाले हैं केमिकल फार्मूलाज को ओके okay, कंपाउंड्स के तो कैसे लिखेंगे हम लोग मस्त एकदम खुश है भाई अपना बंदा ओके क्योंकि चलो अब हम लोग अप्लाई करेंगे जो पढ़े हैं उस चीज़ को तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड जिससे हम लोग लिखते हैं केमिकल फॉर्मुलेज कंपाउंड के कैसे लिखेंगे चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूंगा जितना अभी हम लोग ने ज्ञान को इकट्ठा किया है उसको यूज करके तो मैं क्या करूंगा देखो यहाँ पर मैग्नीशियम दिख रहा है मेरे को क्लोराइड दिख रहा है तो मेरे पास दो चांसेस है दो दो ऑप्शन है ओके क्लोराइड तो मेरे को सबसे समझ में आ रहा है कि ये तो रेडिकल की बात चल रही है तो मैं क्लोराइड रेडिकल लिख दूंगा सिंपली ओके तो क्लोराइड रेडिकल होता है सी माइनस या फिर वन माइनस ये इसीलिए मैंने बोला था आपको रिवाइज करने की जरूरत है ठीक है फटाक से क्लिक होने के लिए तो या फिर आपको अगर उसकी वैलेंसी पता होगी जैसे कि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है टू तो आप ऊपर लिख दो उसको। क्लोरीन की वैलेंसी होती है वन राइट अगर हम लोग ने वैलेंसी वाली चीज को यूज किया तो तो भी बन जाएगी बात तो आप रेडिकल्स से कर सकते हो या फिर वैलेंसी से भी कर सकते हो, ओके। करना क्या है ठीक तो तो है क्रिस क्रॉस तो मतलब जो भी रेडिकल्स या फिर वैलेंसीज के टर्म्स में, हम के टर्म्स में आप रहे हो, वैलेंसी ओके, मतलब सीधा सीधा लिख रहे हो या फिर एलिमेंट्स लिख रहे हो कुछ भी लिख रहे हो क्या करना है जो नंबर ओके okay, इस वैलेंसी के केस में यहां पर टू है यहां पर वन है इसको बस क्रॉस कर देना है ओके okay? तो टू को हम लोग भेजेंगे यहां पर वन को भेजेंगे यहां पर ओके okay? यहाँ पर तो कोई चार्ज है ही नहीं ओके okay? मतलब यहां पर सिर्फ नंबर ही है तो सेम इसमें भी नंबर यहां पर भेज दो बस इसका नंबर इसके पास इसका नंबर इसके पास खत्म ओके okay? तो करेंगे हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड ठीक है तो होगा क्या दोनों भी तरीके से दोनों भी तरीके से आंसर आपको सेम ही आएगा आपको जो तरीका अच्छा लगता है उससे करो ओके मोस्टली रेडिकल्स का तरीका इस्तेमाल करो क्योंकि रेडिकल्स हम लोगों ने कई सारे पढ़े एलिमेंट्स की वैलेंसीज हमको पहले बीस एलिमेंट्स की ही पता है ओके okay, और इसके अलावा भी कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें राइडिकल जो वो होंगे वो मिक्सचर ऑफ एटम्स होंगे जैसे कि सल्फेट्स नाइट्रेट्स तब तो आपको रेडिकल का इस्तेमाल करना है तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस मेथड से ही जाओ रेडिकल वाले मेथड से राइडिकल सीखो सीधा सीधा बात खत्म ओके रेडिकल सीखने के बाद क्या करना है उनके जो चार्जेस हैं उनमें से प्लस माइनस को मार दो गोली चार्ज को हटा दो और चार्ज के अलावा जो बच रहा है नंबर्स उनको बस क्रिस क्रॉस कर दो इसका नंबर उसके पास इसका नंबर उसके पास खत्म तो देखो एम के पास आएगा वन तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एम जी वन। और फिर सी के पास आएगा टू तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी और टू और लिखते टाइम पर नंबर अदला बदली करने के बाद उसके सब्सक्रिप्ट में जाना चाहिए नीचे ओके नीचे लिखना है ठीक है अब एक सिंपल सी बात जब वन रहेगा ना लिखो ही मत वन ठीक है वन को लिखो ही मत तो बन गया अपना केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला एम जी सी एल टू मैग्नीशियम क्लोराइड इस मेथड से भी जाओगे तो भी देखो एम जी के नीचे आएगा 1, Cl के नीचे आएगा टू ठीक है तो वन को मार दो गोली वन को तो नहीं लिखना है तो एमजीसीएल टू एमजीसीएल टू मैं रिकमेंड करूंगा रेडिकल्स वाला मेथड यूज करना आसान हो जाएगा फटाफट आ जाएंगे आपको आंसर्स ओके okay? क्योंकि अल्टीमेटली कुछ कुछ कंपाउंड्स के लिए रेडिकल्स का ही इस्तेमाल करना है हमें तो

ओके okay, अगर सारी चीज़ें राइट करेंगे तो हम लोग आए क्यों है यहाँ पर करेक्ट सीखने ही तो आए हैं ना ओके okay, तो चीज़ें गलत हो रही है होने दो बस सीखना है गलतियों से ओके okay, फिर से वही वही गलतियां नहीं दोहराना है कोई चीज़ अगर गलत होगी ठीक है कोई बात नहीं हम लोग सीखेंगे राइट तरीका सीखेंगे राइट चीज़ सीखेंगे और फिर उसको गलती को नहीं दोहराएंगे सिंपल ओके okay, गलतियां करने से बिल्कुल डरना नहीं ओके okay, बिंदास चलो ट्राई करना है अब तक की साइंस तो ऐसे ट्राई करते करते ही डिस्कवर की गई है ओके और गलतियों को सुधारते सुधारते ही चलो तो फिलोसॉफी बाजू में रखते आपने आई होप कर लिया होगा ट्राई ओके okay, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में मैंने बताया था रेडिकल मेथड यूज करना तो मैंने एलुमिनियम का रेडिकल लिख दिया अरे ये बार बार इरेजर आ रहा है मेरे हाथ में ओके okay, चलो तो एलुमिनियम का रेडिकल में लिख दे जाओ एल्यूमिनियम का रेडिकल है ए एल थ्री प्लस उसका फॉर्मूला ओके चार्ज के साथ हाइड्रोक्साइड रेडिकल का भी चार्ज के साथ ओ एच वन माइनस तो मैंने सिर्फ माइनस लिख दिया करना क्या है भाई करना क्या है ओके वन माइनस लिख दिया मैंने ठीक करना क्या है इनके चार्जेस को मार दो गोली और कर दो क्रिस क्रॉस खत्म तो चार चार्जर्स को मार दी मैंने गोली और कर दिया मैंने क्रिस क्रॉस तो ए एल के पास आ गया वन तो हम लोग तो वन तो लिखते नहीं है नीचे ठीक है और फिर ओ एच के पास आ गया थ्री तो ओ एच और मैंने ऐसे थ्री लिख दिया तो थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये थ्री एच का है या ओ का है समझ में नहीं आ रहा है ना इसीलिए हम लोग ओ एच दोनों को मिला के थ्री दिया है ना तो इसलिए हम लोग ओ एच को ऐसे ब्रैकेट्स में डालते पैरथिसिस में डालते ओके ब्रैकेट कोई पैरथिसिस कहते हैं तो इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे और उसके नीचे थ्री लिखेंगे क्योंकि ये थ्री दोनों को भी है ओ को भी है एच को भी है ठीक है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये हो गया फॉर्मूला अब जिसने करेक्ट लिखा होगा ओके okay, मुझे पता है कि आपने ई ए मिस्टेक जरूर की होगी शायद अगर आपने ट्राई भी किया होगा तो भी आपने ए एल ओ एच के नीचे थ्री लिखा होगा पर ओ एच को ब्रैकेट में डाला होगा ओके कोई बात नहीं अब सीख लिया करेक्ट करेक्ट तो अब लग रहा है ऐसे इस कैरेक्टर के जैसे यस कर दिया मैंने राइट चलो आगे बढ़ते हैं तो अब ये वाला जो सवाल है ना आप खुद ट्राई करना ओके हो जाने दो गलती होने वाली है तो अगर राइट कर दिया तो बेहतरीन जबरदस्त अगर रॉन्ग कर दिया तो भी कोई बात नहीं ऐसे दिमाग खुरा रही है ना ये लड़की तो वैसे ही हम लोग सीखेंगे राइट कि यार ऐसे भी होता है ओके तो चलो आई होप आपने ट्राई किया होगा पॉज करके कर लो पॉज ओके कर लिया होगा ट्राई रिज्यूम कर लिया चलो अब देखते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला कैल्शियम रेडिकल लिख दिया मैंने कैल्शियम का सी ए टू प्लस ऑक्साइड का ओ टू माइनस आप क्या करोगे सरने का है चलो चार्ज को मार दो गोली और कर दो क्रॉस कर दो क्रिसक्रॉस ओके okay. तो चार्ज को मार दी गोली और मैंने इस टू को यहां पर लेकर इस टू को यहां पर लेकर आया तो करना क्या है यहां पर आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे बन गया होगा सी ए टू ओ टू करेक्ट पर प्यारे बच्चों ये होता है गलत फॉर्मूला ओके okay. क्यों याद रखना एक सिंपल सी एक लास्ट वाली चीज इस मेथड की जब भी सेम नंबर्स हो ना ऊपर इनके टकले के ऊपर सिर के ऊपर कैल्शियम कोई भी रेडिकल के सिर के ऊपर सेम नंबर्स होंगे तो उनको कट कर देना है ओके तो वो नंबर्स हट गए ऐसे समझ लो या फिर वन हो गए ऐसे समझ लो अब आप वन को यहां पर लेके आओ वन को यहां पर लेके आओ तो सीए वन ओ वन हो जाएगा पर हम वन तो लिखते नहीं है तो इसलिए सीए ओ हो जाएगा करेक्ट देखो वन को यहां पर वन को यहां पर तो सीए के पास नीचे वन सी right? ए के पास ये वाला वन आ गया नीचे ओ के पास ये वाला वन आ गया नीचे पर हम वन को तो लिखते नहीं तो सिंपली हम लोग सी ए ओ लिखेंगे और ये है इसका करेक्ट okay, फॉर्मूला नहीं है समझ में आ गई बात कोई बात नहीं समझ लिया अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी है क्लियर तो यह से सीखते सीखते गलतियां करते करते हम लोग सीखते हैं तो ये तीन एग्जाम्पल्स की मदद से मैंने पूरा क्रिस क्रॉस मेथड मतलब आपको समझा दिया है अब बारी आई है आपके प्रोग्रेस को चेक करने की थी देखो, देखो चलो आ रहा है कि आपको एक 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 कंपाउंड आपको स्क्रीन पर दिखेगा फटाफट उसके आप खुद पहले ट्राई करना अब मैंने सारी चीज़ें बता दी अब ऐसा नहीं अब ऐसा नहीं कि सर फंसा रहे हमें ओके आधी चीज़ें बता रहे हैं ओके आधी चीज़ें नहीं बता रहे और हमको हमको ट्राई करवा रहे और फिर ट्राई करके करके हमको सिखा रहे ओके तो, तो वो होगी चीज़ ओके वो मेथड से हम लोग ज़्यादा अच्छे से सीखते ओके गलतियों से गलतियों को सुधारते सुधारते या फिर गलतियों से सीखते सीखते भी ठीक है चलो अब सब कुछ सिखा दिया मैंने ट्राई करो सोडियम कार्बोनेट का लिखने के लिए ओके फॉर्मूला करो 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 चलो आई होप आपने किया होगा ओके रिज्यूम करके तो सोडियम कार्बोनेट सिंपली सोडियम एन वन प्लस कार्बोनेट सीओ थ्री टू माइनस ओके क्या करना है चार्ज को मार दो गोली और कर दो क्रिस क्रॉस पर बस क्रिस क्रॉस करने से पहले ध्यान रखना है कि नंबर सेम नहीं हो बात पूरी हो गई अब ओके रेडिकल्स लिखो चार्ज को मार दो गोली और क्रिस क्रॉस करने से पहले याद रखो कि नंबर सेम तो नहीं है चेक करो सेम नहीं है तो कर दो क्रिस क्रॉस सेम है तो उड़ा दो वहीं पर हो गया खत्म ओके तो चलो तो सेम नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँगा इसको यहाँ पर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा एन के निचू आ जाएगा टू ओके और सी थ्री को मिला के वन मिला है तो सी थ्री को मैं ऐसे अगर पूरा ब्रैकेट लगा के वन भी लिख दूँ ओके तो कुछ सेंस नहीं बनता क्योंकि हम लोग वन तो लिखते नहीं है तो वन अगर लिखेंगे नहीं तो इस ब्रैकेट का क्या ही मतलब है तो ब्रैकेट की भी है। ब्रैकेट को भी हटा दिया तो ये हो गया अपना सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ठीक है सिंपल था चलो जैसे आपको स्क्रीन पर दिखेगा पॉज करो ट्राई करो अब मैं फिर से फिर से नहीं बोलूंगा ठीक है चलो अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है इसका अमोनियम का रेडिकल लिख दिया मैंने नाइट्रेट का रेडिकल लिख दिया मैंने ठीक है वन प्लस वन माइनस है ठीक है तो मैं क्या करूंगा मार दो गोली चार्ज को ठीक है फिर चेक करो भाई 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 सेम है क्या नहीं है नंबर सेम है तो खत्म यहीं पर उनको काट दो तो वन वन ही है यहाँ पर ओके तो काटने की जरूरत भी नहीं है वन वन ही है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे इस वन को नीचे लिखा इस वन को नीचे लिखा फिर भी कुछ सेंस नहीं बनेगा तो सिंपली हम लोग बस जोड़ के लिख देंगे एन एच फोर एन ओ थ्री ठीक है क्योंकि वन का कुछ सेंस नहीं बनता तो हम लोग वन को नीचे लेते ही नहीं है ओके ठीक है लो ही मत मेरी मेरी मानो अगर वन वन रहेगा दोनों के ऊपर तो लोही मत नीचे सीधा इसको और इसको जोड़ के लिख दो एन एच फोर एनओ थ्री क्योंकि अलग अलग से वन वन लिख दोगे तो भी हम लोग उसको बाद में वर्र भी करने वाले ठीक है थीके? क्लियर तो अमोनियम नाइट्रेट बन गया अपना सिंपल था चलो इसका बताओ कैल्शियम क्लोराइड ओके कैल्शियम क्लोराइड रेडिकल्स लिख दिए मैंने चार्ज को मार दो गोली और चेक कर लो कि नंबर सेम है क्या नहीं? नहीं है नंबर सेम चलो फिर क्या करना है क्या करना है क्रिस क्रॉस तो देखो सी ए के पास वन आ गया तो वन तो लिखेंगे नहीं हम सीएल के पास टू आ गया तो सीएल तो एक पूरा सिंबल है तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं एक ही एक ही एलिमेंट का सिंबल लिख रहा है हमको तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं तो सी के पास वन तो नहीं लिखा मैंने सीएल के पास टू आ गया तो सीएल के नीचे टू लिख दिया करेक्ट ओके तो सी ए सी हो गया फिर जिंक हाइड्रोक्साइड जिंक याद करो हाइड्रोक्साइड याद करो सॉरी उसका रेडिकल जेड एंड टू प्लस होता है ओ एच का वन माइनस ओके फिर से वैसी चार्ज को मार दो गोली और उनको लेके आओ नीचे क्रिस क्रॉस कर दो उनका तो जिंक के पास वन आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता पर ओ OH एच के पास टू आएगा तो ओ OH एच के पास अगर जब टू आ रहा है तो हम लोग उसको ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि ये दोनों के लिए है ओ के लिए भी है एच के लिए भी है तो जिंक हाइड्रोक्साइड ऐसा कुछ बनेगा ओके जेड एन ओ एच टू मत बस मत लिख देना जेड एन ब्रैकेट में ओ OH, एच और फिर टू ठीक है तो ओ OH एच दोनों के लिए टू है अब लास्टली लेट टू सल्फेट अब याद करो लेड टू करो करो थोड़ा इजी कर दिया मैंने फिर भी ओके कुछ प्लम्बर्स वगैरह नहीं लिखा है मैंने ओके तो लेड टू मतलब सिंपल है लेड का टू वाला आयन ओके और ये है भाई बेसिक रेडिकल तो इसीलिए प्लस तो लेड का टू वाला तो पी बी टू बेसिक है इसीलिए प्लस ठीक है क्योंकि लेड टू तो बेसिक वाले रेडिकल्स में आता है क्लियर तो प्लस ही रहेगा और लेड टू है इसीलिए लेड टू ठीक है अब सल्फेट है तो देखो सल्फेट है भाई साहब तो एस ओ फोर टू माइनस ये होता है सल्फेट अब देखना फिर से ये माइनस प्लस हटा दिया चार्ज को मार दी गोली और देखा नंबर सेम तो नंबर सेम मतलब उसको काट दो ओके तो काट के वन वन हो जाएगा वैसे भी तो इसको मैंने काट दिया वन वन हो जाएगा और वन वन तो हम लोग लेते नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा सिंपली पी बी लिख दो सामने जोड़ के एस फोर लिख दो खत्म है, तो ये हो गया PbSO4 फोर हो गया लेड सल्फेट का फॉर्मूला तो देखो कुछ सॉल्व किया हम लोगों ने क्वेश्चंस ओके जिसमें भी जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दी और भी कई सारे ऐसे कंपाउंड के फॉर्मूलाज लिखने की आप कोशिश करो बिल्कुल मजा आएगा आपको ओके और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्रॉस मेथड की क्लियर तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं आई होप आपको हम लोग ने जो भी चीज़ें समझी जो भी चीज़ें पढ़ी वो समझ में आई होंगी ओके और आपको मज़ा भी आया होगा पर मुझे ये चीज़ पक्का बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आपको मज़ा आया कि नहीं और कुछ मुझे आपको फीडबैक देना होगा तो वो भी दे सकते हो कुछ चीज़ें मैं इंप्रोवाइज़ कर सकता हूँ ऐसे अगर आपको लग रहा होगा तो आप बिल्कुल बताइएगा मैं सोचूंगा उसके बारे में मैं ट्राई करूँगा उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए ओके और वैसे तो आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है तो जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हैं आपके आई के क्लास सिक्स सेवंथ एथ नाइन्थ टेंथ तक के तो हमारे वेबसाइट पर ओके लर्नो हब डॉट कॉम पर आपको इन्हीं चैप्टर्स के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएंगे जो आप आपके चैप्टर को पढ़ने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो ओके okay? बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है तो आपके दिमाग को थोड़ा एनलाइटन हो जाएगा दिमाग खुल जाएगा क्वेश्चन से प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड आपका डेवलप हो जाएगा ओके नए नए क्वेश्चन देखकर तो बाकी आप ते रहो मिलेंगे अगले वीडियो में इस चैप्टर के बच्चों के कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए स्टेट ग्रेट डे